कुछ क्वेश्चंस हम कवर कर चुके थे, ठीक है? जो क्वेश्चंस हम कवर कर चुके थे उन क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी से एक बार उसके जल्दी से हम फिर से एक बार आंसर देख रहे हैं, तो आप देख लेना। तो पहला क्वेश्चन यही था, एसबीयू का क्या मतलब है, ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इसका जो मतलब था, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखा था कि कौन सी स्टेटमेंट ग्रेपेवाइन से रिलेटेड नहीं है, इसका जो आंसर था वो यही है, ये कहता था कि ग्रेपेवाइन को हम कभी भी अवर कर सकते हैं, तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं थी और यही हमको बताना था इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अब जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या था कि विच ऑफ द फ्लोइंग डोंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द सिस्टमेटिक रिस्क, कौन सा ऐसा है जो सिस्टमेटिक रिस्क की कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसका आंसर हमारा था फाइनेंशियल रिस्क। ये क्वेश्चन भी अभी हमने कवर किया था। फिर अगला जो क्वेश्चन था वो क्या था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, ये कॉर्पोरेट पॉलिसी स्टेटमेंट, क्योंकि ये कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की ओर चलता है जबकि ये वाले कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, जल्दी से देखते हैं। ए गुड सर्विस और आइडिया दैट ऑफर्स ए बंडल ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर इट नोन एज, तो इसका जो हमारा आंसर था वो था हमारा प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसके अंदर हमारे टेंजिबल और इनटेंजिबल सारी की सारी क्वालिटीज विशेषताएं हमारी होती हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, द प्रैक्टिस ऑफ सेलर एंगेजिंग इन द मास प्रोडक्शन मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मास प्रमोशन ऑफ द वन प्रोडक्ट फॉर ऑल द बायर्स कम टू द नोन एज, तो इसके अंदर हमारा जो आंसर था वो था हमारा मास मार्केटिंग, क्योंकि मास मार्केटिंग के अंदर ये सारी बातें हमारी कवर हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, सेलेक्ट विच ऑफ द दीज आर द सोल्स ऑफ द एटीट्यूड्स, तो एटीट्यूड के अंदर मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन हमारा हाफ दिया हुआ है, इसके मान लो ऑप्शन हमारे पास ये होते, ऑप्शन नंबर ए कि पहला और दूसरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी 1 और 3, तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए था, क्योंकि जो हमारा एटीट्यूड होता है इन सभी की वजह से ही इफेक्ट होता है, इन सभी से ही हमारे सोर्सेस हैं हमारे, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, सी, क्योंकि सी ऑप्शन के अंदर 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन को मैंने थोड़ा करेक्ट किया था, फिर आपको आंसर देखना है इसका। अगला जो क्वेश्चन था वो क्या था, विच ऑफ द फ्लोइंग डज द एब्रीवेशन सी एस आर, तो सी एस आर की जो फुल फॉर्म थी जो एग्जैक्टली मैंने आपको बताई थी, ये क्या है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, यहां से हमारी वीडियो रुक गई थी लाइट जाने की वजह से, तो यहां से अब हम टॉपिक को फिर से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, जल्दी से आप सबको इसका आंसर देना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, ओके इसका हमारा आंसर, ये हमारा आंसर होता है इसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है? ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? और ये हमारे जो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है दोनों के लिए लाभ प्रॉफिट को वेल्थ को मैक्सिमम करना होता है, ठीक है? तो इससे अगर ये वेल्थ हमारी मैक्सिमम हो जाती है तो इससे हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होती है, प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है, तो किसी भी बिजनेस के लिए हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए यही है कि हम वेल्थ मैक्सिमम करें, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द फोकल पॉइंट इन द मार्केटिंग इज, मार्केटिंग का जो फोकल पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, हम किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करके चलते हैं मार्केटिंग के अंदर हम फोकस, मेरे हिसाब से हम अगर चार ऑप्शन देखें, सेल्स, प्रॉफिट, कस्टमर या मार्केटिंग मैनेजर, तो इसका आंसर हमारा होना चाहिए कि हमारा जो फोकल पॉइंट जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारा कस्टमर ही होता है, ठीक है? क्या कस्टमर, क्योंकि जब पुराना टाइम था, पुराने टाइम के अंदर तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स कम थे,
प्रोडक्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर कम थे, तो उस वक्त तो जो भी हम कुछ बनाते थे बिक जाता था, है ना। पर आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे हमें कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ती है। कस्टमर ही हमको कहते हैं ना कि कस्टमर बाजार का राजा होता है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, गला काट, हमारी कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, एक दूसरे का गला काटने में लगे हुए हैं हर कोई। तो कहीं ना कहीं आज हमको जो भी प्रोडक्ट बेचना है ना, तो कंज्यूमर को देख कर ही बनाना पड़ता है। तो कंज्यूमर हमारा बहुत फोकस पॉइंट हो गया। अगला क्या है, इफेक्टिव कॉम्पोनेंट इज रिलेटेड टू, भावनात्मक घटक डैश से रिलेटेड है। थिंकिंग एंड इवेल्युएशन, फीलिंग एंड इमोशन, इंटेंशन टू बिहेव इन द सर्टन वे टूवर्ड्स द समवन, या नन ऑफ द अबोव। ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन है हमारा 11 और 12। इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखिए तो क्या पूछ रहा है कि भावनात्मक घटक जो इफेक्टिव कॉम्पोनेंट है किससे रिलेटेड है। थिंकिंग एंड इवेल्युएशन, फीलिंग एंड इमोशंस, इंटेंशन टू बिहेव इन सर्टन वे टूवर्ड्स समवन, या नन ऑफ द अबोव। तो इसमें अगर हम देखें तो ये फीलिंग एंड इमोशंस से रिलेटेड है, फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। और ये एक ऐसी फीडबैक होती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा बुरा, हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी इससे रिलेटेड होता है। हमारे जो इमोशंस घटक, ये इमोशंस फीलिंग इससे रिलेटेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एज द बिजनेस वंस बिजनेस प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस विद इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम द अदर फर्म्स। क्या निम्न में से, इनमें से कौन सी टेक्निक एक व्यवसाय प्रक्रिया निष्पादन की दूसरे बिजनेस के साथ, हमारी इंडस्ट्री के सबसे अधिक प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है। ऑप्शन नंबर वन क्या है, ऑप्शन वन हमारे पास है ओवरऑल परफॉर्मेंस कंट्रोल, सेकंड है हमारी कॉस्टिंग, थर्ड है बेंचमार्किंग, और जो फोर्थ है वो है हमारी बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। क्या है हमारा, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। तो इसमें से राइट ओके राइट बेंचमार्किंग, ठीक है बेंचमार्किंग। तो एक बिजनेस की जो प्रोसेस है या परफॉर्मेंस की, अगर दूसरे बिजनेस से, अगर हम जो सेम हमारा बिजनेस है, सामने वाला का भी सेम बिजनेस है, अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है मतलब, तो हम सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसके तुलना के लिए प्रक्रिया जो बेंच मार्किंग कहलाती है, ये जो प्रोसेस होती है ना कंपेयर करने की, तो इसको बोलते हैं बेंच मार्किंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो भी इंडस्ट्री है, तो उस सीखकर हम अपने अपने बिजनेस के अंदर हम करेक्टिव कुछ एक्शंस लेते हैं, मतलब हम देखते हैं कि हमसे बेटर कौन कर रहा है, तो उनसे हम ना कुछ नया सीखते हैं। उनसे कुछ नया सीखने के बाद हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस में कुछ करेक्टिव एक्शन लेते हैं, कुछ करेक्टिव स्टेप्स लेते हैं कि हमको भी अपने बिजनेस में कुछ और ज्यादा इंप्रूव करना है। तो ये बेंचमार्किंग कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, फॉर इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाय द बिजनेस, फीडबैक फ्रॉम द विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। किन लोगों से हमारी फीडबैक लेनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो शेयर होल्डर, इंप्लॉइज, कस्टमर या मैनेजर। तो मुझे लगता है कि अगर कस्टमर से हम फीडबैक लें तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि कस्टमर अगर हमको फीडबैक देता है प्रॉपर, तो हम तभी अपने प्रोडक्ट के अंदर, सर्विसेज के अंदर, क्वालिटी के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कस्टमर्स के साथ हमको फीडबैक लेनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। कस्टमर से फीडबैक लेनी बहुत जरूरी होती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि वो हमको और हमारे प्रोडक्ट को बहुत जल्दी बताता है, और ये बिजनेस को बहुत जल्दी फीडबैक भी देता है, क्योंकि वो खुद प्रोडक्ट यूज करता है। तो कस्टमर की फीडबैक को देखकर हम कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर सुधार भी कर सकते हैं, अगर हमको लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हु कोइन्ड द टर्म मार्केटिंग मिक्स, किसने मार्केटिंग मिक्स के वर्ड को प्रतिपादित किया। वो बहुत फेमस बंदा है, सब जानते हुए है, फिलिप कोटलर इज द ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, एक कंपनी इंगेज इन द ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड, ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर लगी हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनेट कंपनी या ई बिजनेस कंपनी या एन इंटरनेट कंपनी या एक्स्ट्रानेट कंपनी, है ना। तो अगर कोई कंपनी इंटरनेट मार्केटिंग में, वो भी ऑनलाइन मार्केटिंग में लगी हुई है अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन ई बिजनेस कंपनी। क्या बोलेंगे, एन ई बिजनेस कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बिजनेस यूनिट इन द क्वेश्चन मार्क कैटेगरी हैज रिलेटिवली डैश मार्केट शेयर इन द रैपिडली ग्रोइंग मार्केट, एक तेजी से बढ़ते बाजार में
प्रश्न चिन्ह श्रेणी में व्यापार इकाई सापेक्षता डैश बाजार हिस्सा होता है, ठीक है। तो एक बिजनेस यूनिट जो क्वेश्चन मार्क कैटेगरी के अंदर हैज रिलेटेड डैश मार्केट इन द रैपिडली ग्रोइंग मार्केट, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन लग ही रहा है, जिस बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो उसका मतलब है कि उस बिजनेस का मार्केट शेयर के अंदर हिस्सा लो है, ठीक है। तो एक प्रश्न चिन्ह एक प्रोडक्ट या एक बिजनेस यूनिट जिसका बाजार में हिस्सा कम है लेकिन उच्च विकास वाले बाजार में है, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट के पास बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए या बाजार पर हावी होने का हमारे पास अवसर होता है। तो प्रश्न चिन्ह जैसे बीसीजी मैट्रिक्स है कि चार श्रेणियों में से एक है, तो ये तेजी से बढ़ते बाजार में क्वेश्चन मार्क वाली कैटेगरी के अंदर व्यापार इकाई स्पेक्ष्टा अल्प बाजार हिस्सा होता है, तो इसका आंसर रहेगा उनका हिस्सा लो रहेगा, क्या लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एक्सीड द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, किसी प्रोडक्ट के बारे में मैंने सोचा था, जो सोचा था उसकी क्वालिटी या उसकी परफॉर्मेंस उससे भी ज्यादा अच्छी निकली है, तो उसको हम क्या कहेंगे। देन कस्टमर इज, हमको क्या लगता है, मान लो जब हम कस्टमर है, हमको भी प्रोडक्ट मिला उसकी क्वालिटी या उसकी परफॉर्मेंस उससे भी अच्छी मिली, तो क्या होता है, हम न्यूट्रल होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं या डिलाइटेड होते हैं। डेफिनेटली जब हमको प्रोडक्ट काफी हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी आर डिलाइटेड, पर्सन खुश, बहुत अच्छे से पर्सन, बहुत अच्छे वाला। फिर रिस्क एंड रिटर्न आर रिलेटेड, रिस्क और रिटर्न की बात करें तो क्या होता है, रिस्क और रिटर्न के अंदर पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम रिस्क लेते हैं मुझे लगता है कि उतनी ज्यादा रिटर्न भी होती है, मानते हैं ना कि जितना ज्यादा आप लाइफ में रिस्क लेते हैं उतना ज्यादा हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो लाइफ में रिस्क लेना मुझे लगता है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रिस्क लेने के अंदर कहीं ना कहीं चांस होते हैं जीत जाने के, आगे बढ़ जाने के, पर रिस्क ना लेने से तो हार वैसी पक्की है, तो इससे रिस्क लेके ही आगे बढ़ लिया जाए, तो रिस्क लेना सबसे बेस्ट है, ठीक है। आगे देखो, पिक आउट द एग्जांपल ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर मार्केट फ्रॉम द वेयर मार्केट कंज्यूमर्स बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द लॉन्गर लाइफ, एक टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए जहां से कंज्यूमर लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों को खरीदता है, बिस्किट, फेशियल क्रीम, टूथपेस्ट या मोटरसाइकिल। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, सोच के देखो। इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी से कम ऑन, वेरी गुड, एक ने जवाब दे दिया बिल्कुल करेक्ट, आगे अनु का बिल्कुल ठीक है, गौरव वेरी गुड करेक्ट, और बताओ, रेनू नहीं, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट कैसे होगा, ममता नहीं, अनु तुम्हारा मैंने आंसर देख लिया, मोटरसाइकिल है ना, टूथपेस्ट का तो क्या, घर में टूथपेस्ट ले आओ तो हो सकता है कि फैमिली अगर बड़ी है तो टूथपेस्ट एक महीने में भी खत्म हो जाती है, पर अगर मोटर बाइक की बात करें तो हमारी काफी लंबे तो चलती है, दिस इज द ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है। ममता टूथपेस्ट कैसी होगी भाई, बच्चों के दोगे तो टूथपेस्ट खा भी जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, डैश इन्वॉल्व द कंसिस्टेंट रिपर्चेज एंड द प्रेफरेंसेस फॉर द स्पेसिफिक ब्रांड, डैश में लगातार पुनः क्रय और विशिष्ट ब्रांडों की प्राथमिकता शामिल है, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इमेज, ब्रांड पर्सनैलिटी एंड द ब्रांड रिकॉल। ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है, ब्रांड के अंदर निष्ठा, तो मतलब जब कोई कस्टमर आपकी कंपनी से, जब कोई कस्टमर कंपनी से खरीदारी करना जारी रखता है, कंटिन्यू परचेज उसे कर रहा है, तो इसलिए नहीं कि वो उसका एकमात्र विकल्प है, बल्कि हम उससे बार बार इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर उसका भरोसा है। तो आज के कॉमर्स के टेक्निकल युग में देखें ना, तो जहां पर जैसे अमेजन कंपनी है दुनिया भर के देशों से उत्पाद का आयात करता है, तो उन पर एक ब्रांड वाहन, ब्रांड नेम बाहर कर सकता है,
ठीक है, तो ब्रांड नेम बहुत पॉजिटिव बिलोंगिंगनेस होती है, तो ब्रांड के ऊपर अगर हमारा भरोसा है ना, तो डेफिनेटली हम उसी प्रोडक्ट को बार बार यूज करते हैं, उसी को खरीदते हैं। तो उसी प्रोडक्ट को हम बार बार इसलिए नहीं खरीद रहे बल्कि कि मतलब वो एकमात्र हमारा ऑप्शन है, ऐसा नहीं है, हमारा ब्रांड के ऊपर भरोसा होता है। तो ब्रांड लॉयलिटी, ब्रांड निष्ठा, ब्रांड के ऊपर भरोसा है, इसलिए हम उस कंपनी के प्रोडक्ट को बार बार परचेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डैश रेफर्स टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, इसमें से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल क्या है? इस क्वेश्चन का बारे में हमने अभी भी देखा था, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने देना है जल्दी से। इसका आंसर क्या हो सकता है? डैश रेफर्स टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, ओके, इसका आंसर डेफिनेटली यही रहेगा हमारा, ग्रेपे वाइन। ठीक है, अंगूरीता संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश रेफर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर द प्रपोज कैपिटल आउटलेस एंड देयर फाइनेंसिंग, डैश प्रस्तावित पूंजी परिपक्व प्रव्यय और वित्त पोषण के दीर्घकाल योजना को बताता है, उसको बताता है। इस क्वेश्चन का आंसर ओके, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग में सुना होगा ना, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो बिजनेस के ऑपरेशन के लिए हमको पता है कि कैपिटल एक मेन एक्टिविटी होती है, मेन फैक्टर होता है। ठीक है, और अपने को पता है बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए हमको कैपिटल की तो को अरेंजमेंट तो करनी पड़ती है, तो हम एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए तो योजना बनाई जाती है ना, कहाँ से पूंजी, क्या कैपिटल कहाँ से आएगी, कहाँ कहाँ से खर्च किया जाएगा, तो इस प्लानिंग को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। तो यह लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, मीडियम टर्म भी हो सकती है, कैपिटल बजटिंग। आगे हमारा है, नो मैसेज कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली विदाउट केयरफुली लिसनिंग एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव लिसनिंग टेक्निक, इसमें से कौन सी सुनने की लिसनिंग लिसनिंग करने के बाद टेक्निक नहीं है। कहते कोई भी संदेश बिना ध्यान पूर्वक सुने समझा नहीं जा सकता, और साथ ही ये प्रभावी संरचना के सबसे अहम मुद्दों में से एक है। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन से सुनने की प्रभावी टेक्निक नहीं है। इफ अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, जजिंग द कंटेंट ऑफ द मैसेज बट द वीकनेस ऑफ द स्पीकर, मतलब संदेश की सामग्री का तो आकलन करना, पर वक्ता की कमजोरियों पर आंकलन ना करना। थर्ड, पॉजिटिवनेस से सिर हिला देना और चेहरे की उच्च इशारों का प्रदर्शन करना, ये समय से पहले मूल्यांकन से बचना। तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो निम्न में से कौन सी सुनने की एक प्रभावी इफेक्टिव टेक्निक नहीं है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ओके, अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, आंखों के संपर्क से बचना, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट है ना, तो इफेक्टिव तो नहीं होगा जब हम किसी के आई कॉन्टैक्ट से बचने की कोशिश करते हैं, तो कहाँ सुन कहाँ रहे हैं उसको, बचते हैं ना कभी कभी, तो अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट ए कंपनी डज बेस्ट इज नोन इज, कोई भी कंपनी जब अपना सर्वश्रेष्ठ करती है तो उसको क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है? यूटिलिटी या कोर कॉम्पिटेंसी या वैल्यू चेन या कॉम्पिटिशन? ओके, कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है, दिस इज द बी इज द करेक्ट आंसर, मूल सक्षमता। ठीक है, जब मुख्य क्षमताओं में से वे संसाधन क्षमताएं होती हैं, ठीक है, जिसमें किसी कंपनी की स्ट्रेटेजी भी इन्वॉल्व होती है, अर्थात जिस कंपनी जो कंपनी काम में बेस्ट से बेस्ट करती है ना, तो वो बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, जैसे आज के टाइम पर मैंने देखा है कि मॉडर्न जो हमारी प्रबंधन सिद्धांत का तर्क है ना, तो बिजनेस के अंदर अपने को केवल अपनी दक्षताएं, जो हमारी एबिलिटी होती है ना, उसको परिभाषित करना चाहिए और उसे ही बढ़ाना चाहिए आगे, उसी के ऊपर ही काम करना चाहिए। तो यहाँ पर कोर कॉम्पिटेंसी, मूल सक्षमता कह सकते हैं, कोर कॉम्पिटेंसी।